हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, अ हाइड्रोजन एटम एंड Li2+ आयन बोथ आर इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इफ LH एंड LLi आर देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटा एंड EH एंड ELi आर देयर रिस्पेक्टिव एनर्जीज, देन हमारे पास चार ऑप्शन है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट हो जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम एल, दिस इज इक्वल टू MVr एंड दिस इज इक्वल टू NH अपॉन 2π होता है। सो यहां से हमको ये पता चलता है कि एंगुलर मोमेंटम है जो ये n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो यहां पर इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि दोनों ही सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे, सो देयरफॉर एन की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी फॉर बोथ। सो यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि LH ये इक्वल हो जाएगा L Li के, मतलब एंगुलर मोमेंटम दोनों का इक्वल हो गया। एंड अब एनर्जी के लिए देख लेते हैं। सो एनर्जी हम जो लिखते हैं वो क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू ये होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एंड यहां पर एन इक्वल टू 3 है दोनों के लिए, तो एन कांस्टेंट हो गया। सो हम एनर्जी को लिख सकते हैं, इसमें ये लगा लेते हैं, मॉड लगा लेते हैं, तो एनर्जी को लिख सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। सो क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो जेड यहाँ एटॉमिक नंबर है बेसिकली, तो एटॉमिक नंबर जो लिथियम का है वो ज्यादा बड़ा होगा हाइड्रोजन से, सिंस सो देयर फॉर एनर्जी भी हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो है ये छोटा होगा मॉड इसका एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ लिथियम। सो यहां से पता चलता है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।